हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे गार्डन में, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं हमारे इन फ्लावर्स प्लांट पे। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मेरे जितने भी गार्डन में फ्लावर प्लांट लगे हैं तो उनकी डिटेल। देखिए, ये हमारा एक इंग्लिश रोज़ का प्लांट है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए, जैसे मौसम चेंज हो गया है तो अभी जो है वो गुलाब का सीज़न आएगा और गुलाब को इस सीज़न का जो है वो किंग माना जाता है। और वीडियो में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितने अच्छे अच्छे इसमें जो है हमारे रोज़ फ्लावर्स हैं वो आ चुके हैं। और एक तो ये बहुत ही खूबसूरत रोज़ प्लांट है, जो फ्लावर्स है वो बहुत ही सुंदर है। इसकी जो शेप है इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है कि दिखने में तो खूबसूरत है लेकिन जो इसका लुक है, जो इसकी शेप है वो दूसरे फ्लावर से काफ़ी डिफरेंट है। और इसमें एक बड़े ही साइज़ का जो रोज़ फ्लावर है वो आ चुका है और साथ में बन रही हैं कई ऐसी सुंदर सुंदर बर्ड्स जिसमें आगे जाके आएंगे बहुत ही सुंदर फ्लावर्स। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने कभी कोई मार्केट से लेके मैंने कोई इसमें खाद नहीं डाला हुआ। मैंने जितना भी इसमें खाद डाला है अभी तक, फ़िलहाल काफ़ी पुराना प्लांट है ये, और मैंने जितना भी इसमें खाद डाला है सारा मैंने घर से ही बना कर डाला है, मैंने कोई बाहर से इसका खाद नहीं मंगवाया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे भी आपको जो मेरे रोज़ प्लांट हैं उनकी भी डिटेल मैं आपको देती हूँ। चलिए मेरे साथ दूसरे प्लांट भी देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये है हमारा वाइल्ड रोज़ का प्लांट और जिसमें आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स। अभी आप देखिए इनकी खूबसूरती कितनी अच्छी है और इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं। और वाइट कलर का ये रोज़ है, ये एक मिनिएचर रोज़ है। इसका जो फ्लावर्स होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। और इस जो प्लांट की पत्तियां हैं वो दूसरे प्लांट्स के मुकाबले काफ़ी साइज़ में छोटी होती हैं। अभी मैं आपको कैमरा क्रीप से करके दिखाती हूँ। इसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी जो बर्ड हैं वो बन रही हैं जो आगे जाके फ्लावर्स में कन्वर्ट होगी। अभी इधर से भी आपको मैं बर्ड दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से बर्ड्स इसमें आ रही हैं और साथ में आ रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे वाइट रोजेस। और अभी देखिए इधर से भी मैं आपको फ्लावर्स दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें भी वही मैं जैसे उस प्लांट में फर्टिलाइज़र करती थी इसमें भी मैंने वही किया है। जैसे हमारे किचन का कोई भी फ्रूट है वो थोड़ा गल जाता है या सड़ जाता है तो आप उसको किसी बॉटल में फिल कर लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। उसको कम से कम भी आप एक हफ्ता या फिर एक हफ्ते से ऊपर रख लीजिए ताकि उसमें अच्छी तरह से जो भी है उसमें जो पील्स होता है वो डिसॉल्व हो जाए और वो अपनी सही फॉर्म ले सके और उसके बाद आप वही फर्टिलाइज़र इन फ्लावर्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे जो दूसरे रोज़ प्लांट हैं उन्हीं के साथ। और फ्रेंड्स, ये हमारा एक और रोज़ प्लांट है और ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसमें भी बहुत खूबसूरत फूल आ रहे हैं, बिल्कुल मजेंटा कलर का फ्लावर्स है इसमें भी और साथ में बन रही हैं ये प्यारी प्यारी बर्ड्स। और अभी मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें भी बर्ड्स आ रही हैं जो आगे जाके फूल बनेंगी और फूल बहुत ही खूबसूरत आएगा। देखिए नीचे भी आपको मैं इधर से बर्ड्स दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें बर्ड्स आ रही हैं। और जैसे सीज़न है इन रोज़ प्लांट का तो इसमें आएंगे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स। और फ्रेंड्स, आप जितना हो सके जो गुलाब का प्लांट है उसमें आप जो हमारी पुराने वाली रूढ़ी होती है उसका इस्तेमाल करिए। उसमें जो बनाना स्पील होते हैं उनका लिक्विड बना के उसमें दीजिए और एक डेढ़ दो महीने बाद जैसे भी आपको लगे कि टाइम हो गया है
तो आप चाय पत्ती लेके उसको उबाल लीजिए और उसको छान करके ठंडा करके इसमें दीजिए, और आधे उसके बाद आप रिजल्ट देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपकी जो प्लांट है। अभी देखिए जैसे फॉग का टाइम चल रहा है, जैसे धुंध पड़ रही है, तो लेकिन मेरे जो प्लांट है उनको किसी भी कोहरे का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा ही इनमें जो मेरे घर से बने हुए फर्टिलाइज़र है वही यूज़ करती हूँ, जो करते हैं प्रोटेक्ट मेरे प्लांट को ऐसे एनवायरनमेंट से। तो चलिए आगे भी मैं आपको हमारे जो रोज़ प्लांट हैं उनसे मिलवाती हूँ। ये है एक मेरे पास और गुलाब, इंग्लिश रोज़ है, अभी देखिए इसमें भी बर्ड्स बन रही हैं, लेकिन इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर्स आएगा और बहुत ही बड़े साइज में फ्लावर्स आएगा। ग्रोथ इसकी भी आप देख लीजिए, ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी भी और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको और अपने जो रोज़ प्लांट हैं वो मैं दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स थोड़े दिन पहले मैंने इस प्लांट को ख़रीदा था, ये एक हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है और इसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आएंगे, जैसे मैंने उस वहाँ कैटलॉग में देखा था। तो मैंने ये वेस्ट बंगाल से प्लांट मंगाया हुआ है, और जब मेरे पास ये प्लांट आया था बिल्कुल छोटा था, लेकिन आप एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने इसको किसी भी बड़े पॉट में नहीं लगाया, किसी भी बड़े गमले में नहीं लगाया, क्योंकि बिल्कुल बेबी प्लांट था और मुझे इसको रखना था केमिकल फ्री और ऐसे ही इसकी करनी थी पानी और धूप से देखभाल। तो मैंने इसको एक वेस्ट कंटेनर में लगा रखा है। ये देखिए अभी जैसे इसने बढ़िया सी ग्रोथ ले ली है, तो आगे जाके मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी किसी पॉट में और इंतज़ार करेंगे इस पे आने वाले फ्लावर्स का, कि वो किस कलर में फ्लावर्स आते हैं और कैसा फ्लावर्स आता है। जहाँ हमने जो प्लांट मंगवाया है सेम टू सेम वैसा ही फ्लावर्स आता है। अभी हमारा इस प्लांट का जो है वो एक्सपीरियंस बाकी है और हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे आने वाली वीडियो में। फ्रेंड्स इधर एक हमारा और रोज़ प्लांट है, ये कनेडियन हमारा जो है कनेडियन रोज़ प्लांट है, ये क्लम्बिंग टाइप का हो जाता है, तो मैंने इसको भी बाय किया था। काफ़ी महंगा हमारा रोज़ प्लांट है, अभी ये अपनी ग्रोथ पे जा रहा है, नई नई शूट आ रही है इसमें, और आगे जाके जितना भी इसमें फ्लावर्स आएगा मैं आपके साथ सारी अपनी जो है फ्लावर्स प्लांट की डिटेल वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास रोज़ प्लांट है। और फ्रेंड्स इनसे मिलिए, ये भी हमारे रोज़ प्लांट हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन बाय किए थे, काफ़ी महंगे प्लांट मुझे पड़े हैं ये, लेकिन इनको अच्छी ग्रोथ हो रही है इस बार। अभी आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ में जा रहे हैं और नई नई पत्तियां हैं, नई नई शूट बर्ड इनकी बन रही हैं, और आगे जाके मैं आपके साथ इनकी भी डिटेल ज़रूर शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स ये भी हमारा एक कनेडियन गुलाब है और इसकी भी जानकारी है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और जब ये फ्लावरिंग करेगा तो उसकी भी डिटेल आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स एक टिप्स और आपके लिए, जैसे फ्लावर्स प्लांट होते हैं इनके लिए जो आयरन होता है, जैसे कैल्शियम आयरन होता है वो सबसे इसमें बेनिफिशियल रहता है। तो जैसे ये हमारा आयरन का कंटेनर है, एक वेस्ट हमारा जो घी का कंटेनर था उसे मैंने अच्छे से साफ़ कर करके इसमें गुलाब का जो हमारा प्लांट था वो लगाया था कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1.5-2 महीने पहले। तो अभी देखिए बहुत ही स्लो ग्रोथ प्लांट है, लेकिन काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं मेरे गार्डन में ये रोज़ प्लांट। तो आगे जाके मैं दूंगी आपको इन सभी जो हमारे रोज़ प्लांट हैं सभी की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स एक ये प्लांट और है जो मैंने एक वेस्ट कंटेनर में लगा रखा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की भी, और इसमें भी नई नई जो शूट्स हैं वो बन रही हैं, नई नई जो बर्ड्स हैं वो बन रही हैं। चलिए एक एक्स्ट्रा धागा लगा है, निकाल देते हैं और देखिए। चलिए फ्रेंड्स ये थे मेरे गार्डन में लगे हुए जितने भी रोज़ प्लांट थे, ये सारे हाइब्रिड रोज़ हैं,
आप इंग्लिश रोज़ेस बोल सकते हो, फ्रेगनेंस में भी कम करेंगे लेकिन इनकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। और अभी तो मुझे भी एक्सपीरियंस करना है कि कैसी इसमें जो हमारे फ्लावर, फ्रेंड्स जब इसमें फ्लावर्स आएंगे तो मैं आपके साथ है वीडियो शेयर करूंगी। अभी आपको मेरे गुलाब के जो प्लांट है उनकी जानकारी अच्छी लगी हो उनकी, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना, ताकि हम आपके साथ कर सके अपनी ही बागवानी की बहुत सी जानकारियाँ शेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सभी को बाय बाय और टेक केयर।